तो हाजिर हैं हम आज फिर से एक और नए व्लॉग के साथ। और आज मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा सूज है। आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे उनको मैं बता देती हूँ। ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे, ये सामने दिख रहा है हैंगिंग गार्डन है, वो गेट दिख रहा है। और ये इधर ये है कमला नेहरू पार्क, यहीं पे है इंडिया का सबसे बड़ा सूज। लेकिन अभी क्या हुआ है कि यहाँ का टाइमिंग है मॉर्निंग का तो नहीं पता, लेकिन अभी हमने पूछा है यहाँ पे तो 4 बजे ओपन होगा। अभी गेट आपको दिख रहा है क्लोज है, और इसका भी गेट क्लोज है। एक्चुअली में मैं काफ़ी जल्दी आ गई हूँ, अभी 2:30 बजे हुए हैं, और गेट जो है वो 4 बजे के बाद ओपन होगा। तो सामने फूड के स्टॉल दिख रहे हैं, तब तक वहाँ खाते हैं और वेट करते हैं यहाँ पे गेट ओपन होने का। और जब ओपन होगा तब हम आपको अंदर का व्यू दिखाएंगे। A few moments later. हाँ जी, तो गार्डन अभी खुल गया है और हम गार्डन के अंदर आ गए हैं। अभी हम कमला नेहरू पार्क के अंदर हैं, और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, हम आपको पूरा दिखाते हैं। ये देखिए, ये मरीन ड्राइव दिख रहा है यहाँ से, और इधर ये गिरगांव चौपाटी है। अभी थोड़ा धुंध है, इसकी वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये मतलब एक क्या बोल सकते हैं, ये सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे लोग आके फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ोटोग्राफी कराते हैं। और देखिए पीछे इतना अच्छा व्यू है, और इधर पूरा मतलब पूरा ग्रीन ग्रीन, यहाँ पर एकदम नेचुरल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो हम यहाँ पे अभी आ गए हैं, ये बना हुआ है, यहाँ पे बैठे हैं, चेयर्स बनी हैं। और यहाँ पे मेरे सामने देखिए कितना अच्छा व्यू है, मतलब यहाँ पे फव्वारे लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक चल रहा है पूरा चारों तरफ, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये मेरे इधर साइड में ये देखिए, पूरा यहाँ से मुंबई का व्यू दिख रहा है, यहाँ से गिरगांव चौपाटी और मरीन लाइंस पूरा यहाँ से दिख रहा है। काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ का। और ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ये जो बना हुआ है, यहाँ पे बैठी हूँ मैं, यहाँ पे मेरी आवाज़ है जो वॉइस, वो वापस होके मुझे ही सुनाई दे रही है। तो अभी हम चलते हैं आगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गार्डन है, पूरा आपको दिखाना है। आगे बहुत बड़ा सूज है, जिसके लिए जिसको दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं। और ये जो पार्क है पूरा, यहाँ पे मैं कई बार आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आती रहती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना पूरा यहाँ पे मतलब एकदम बहुत ही अच्छा फील होता है यहाँ पे, एकदम नेचर जो है, आपको चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी हम चल रहे हैं आगे, आपको भी दिखाएंगे। और ये देखिए मेरे पीछे, यहीं पे अभी हम बैठे थे वहाँ पे, और देखिए वहाँ पे बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी घड़ी बनी हुई, आगे भी एक बहुत बड़ी घड़ी बनी हुई है। और ये जो पूरा पार्क है, मतलब जो ये एरिया है, ये मालाबार हिल में है। तो ये छोटा सा तालाब, इतने अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही, लग रहा है बगल में समोसे बन रहे हैं। यहाँ पे स्टॉल हैं तो उसी में लग रहा है समोसे बन रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही, मतलब खाने का मन कर रहा है। और जैसे जैसे चल रहे हैं, मतलब इतनी खूबसूरती है यहाँ पे कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और आगे हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए गाइज, ये बहुत बड़ा वॉच बना हुआ है, और ये चलता भी है। हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो ये देखिए गाइज, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ कितनी बड़ी वॉच है, और देखिए चल भी रही है। 4:30 बजा है, और इसमें टाइमिंग भी दिखा रहा है, 4:30 बज गए हैं। कितनी बड़ी वॉच है, मतलब इसको कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और गाइज पता है, मैं जब इसके पहले आई थी तो इसका जो मतलब वॉच की जो सुई है ना, वो एक सुई गायब हो गई थी, और उस टाइम चल भी नहीं रही थी, लेकिन अभी चल रही है। इधर बगल में ये सामने देखिए, ये देखिए यहाँ पे
छोटा सा फाउंटेन बनाया गया है, लेकिन अभी इसको बंद किया गया है। बहुत ही अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था लेकिन बंद कर दिया। देखिए कितना खूबसूरती से बनाया गया है इसको, यहाँ से ऐसे काफ़ी अच्छा लग रहा था लेकिन अभी बंद हो गया है। और ये देखिए चिड़ियों के लिए और जो गिलहरी होती हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गिलहरी बहुत सारी हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए ये देखिए पानी रखा गया है। और वैसे भी आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी इतनी सारी चिड़ियों की। तो अभी मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो गाइस देखिए मेरे पीछे दिख रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा सूस। तो अभी थोड़ा सा डिस्टेंस है, हम वहाँ पास में पहुँच के आपको दिखाते हैं। ये हम आ गए एकदम पास में, और ये है इंडिया का सबसे बड़ा सूस। पहले इसके अंदर गेट भी बना हुआ है, बगल से ऊपर भी जा सकते हैं। वहाँ पे देखिए वो खड़े होने के लिए बना है, लोग यहाँ पे जाते थे, फ़ोटो क्लिक करवाते थे। और बहुत ही अच्छा मतलब, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है कोविड के बाद से, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं और अंदर कोई नहीं जा रहा है। देखते हैं अगर अंदर जाने का मतलब रास्ता तो है, लेकिन पता नहीं अलाउड है कि नहीं, क्या पता मना कर रहे हो। तो वहाँ एकदम पास में पहुँच के देखते हैं, अगर होगा तो मैं भी जाऊँगी वहाँ पे और आपको हाय करूँगी। ये देखिए गाइस अंदर इसमें रूम बना हुआ है, और आप देख रहे हैं वो सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं, और इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाते हैं जो वो बना हुआ है। खड़े होने के लिए बालकनी बनी हुई है, वहीं पे खड़े होके फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। लेकिन सो सैड यार, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 साल के बच्चों के लिए ही है सिर्फ, लेकिन पहले तो सब लोग जाते थे। ये देखिए गाइज हम आपको दूसरा सेल्फी पॉइंट दिखा रहे हैं, यहाँ से मरीन ड्राइव का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। और ये जो दूसरा सेल्फी पॉइंट है, ये जो बड़ा वाला सूज है उसके सामने ही है। और ये जो व्यू है ये आपने बहुत सारे मूवी में तो देखा ही होगा आपने। हाँ जी, तो मैं यहाँ के बारे में आपको एक बात और बता देती हूँ कि अगर आप यहाँ पे पिकनिक मनाने आना चाहते हैं तो शौक से आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप खाने पीने के लिए मतलब पिकनिक मनाने आएंगे तो खाएंगे पिएंगे, तो बिना खाने पीने के तो पिकनिक होगी नहीं। तो अगर आप आते हैं तो ये जो एरिया पूरा देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के ही आप खा पी सकते हैं, बाकी अंदर जाके खाना अलाउड नहीं है। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत इसको डेकोरेट किया गया है, इसमें पेंटिंग की गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ का बहुत बड़ा सूज और ये जो पूरा गार्डन है हमने आपको दिखा दिया है। ये कमला नेहरू पार्क है और यहाँ पे लोग फोटोग्राफी करने ज़्यादा आते हैं, घूमने कम आते हैं। और यहाँ पे सामने एक और गार्डन है जो हैंगिंग गार्डन है, वहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत मतलब फ्लावर्स लगाए गए हैं, और वहाँ पे एनिमल्स के शेप में बहुत सारे प्लांट लगाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसके सामने ही है, हम चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो हम आ गए हैं अभी ये सामने वाले पार्क में मतलब हैंगिंग गार्डन में। और मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे एनिमल्स के शेप में प्लांट्स लगाए गए हैं, तो ये देखिए मेरे पीछे ये फ्लावर्स है। और पूरा इसको क्या बना है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई थिंक ये जिराफ बना हुआ है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर देखिए पूरा गार्डन, क्या खूबसूरती है इस गार्डन की। और वो देखिए सामने वहाँ पे फाउंटेन है, अभी चल रहा था लेकिन बंद हो गया है। ये देखिए पूरा पार्क जो है कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे हर तरीके के कलरफुल फ्लावर्स लगाए गए हैं। और धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए हैं क्योंकि अभी 4 बजे ओपन हुआ है, और इसके पहले तो बंद था, तो लोग अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। ये देखिए पूरा जॉगिंग ट्रैक है और इस पर अभी पानी डाला गया है जिससे कि धूल ना उड़े। और एक चीज़ और आपने देखा यहाँ पे, यहाँ की जो मिट्टी है वो एकदम रेड है। और ये देखिए गाइस इधर, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हर जगह
वॉच बने हुए मतलब लगाए गए हैं। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सा वॉच लगाया गया है और ये भी चल रही है, ऐसा नहीं कि बंद है, देखिए चल रही है। 5:07 हो रहे हैं। तो गाइज हम जैसे जैसे आगे चल रहे हैं, ये देखिए, ये तो नॉर्मली हम लोगों के यहाँ यूपी में भी होता है, लोग अपने घर पे ये वाला फ्लावर्स लगाते हैं डेकोरेशन के लिए। और लेकिन यहाँ पे और बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। ये जो मेरे पीछे आप गुफा देख रहे हैं, अब हम चलते हैं इसमें और आपको भी दिखाते हैं। ये देखो गाइस, ये देखो पीछे बंद किया गया है, ये अंदर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, हम अंदर चल के दिखाते हैं आपको। देखिए कितना अच्छा इसको, ये चारों तरफ से प्लांट्स लगे हुए हैं और कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होता था ना कि जैसे धूप रहती थी आफ्टरनून में तो कहीं भी बैठने की जगह नहीं, वैसे तो पेड़ वगैरह बहुत सारे लगाए गए हैं यहाँ बैठने के लिए, लेकिन फिर भी धूप लगती थी दोपहर में, बहुत ज़्यादा धूप होने के बाद तब तो इतना ज़्यादा कोई मतलब धूप में रह नहीं सकता था। तो ये बनाया गया था यहाँ, मतलब बनाया गया है यहाँ पे, लोग अंदर आके बैठते थे। और ये देखिए अभी पीछे मेरे, मतलब ये इधर से भी रास्ता है और वो सामने से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, मतलब चारों तरफ से रास्ता बना हुआ है जाने का। और ये बीच में जैसे रोड में नहीं होता है चौराहा टाइप का, वैसे ही बना हुआ है, अंदर सर्कल है और चारों तरफ से रास्ते बने हुए हैं। इधर से हम इधर से अंदर आके और इधर से हम दूसरी तरफ निकल सकते हैं, लेकिन अभी इसको बंद किया गया है, आई थिंक कोविड की वजह से ही ये बंद है, क्योंकि पार्क भी पहले बंद था, अभी जल्दी में ही ओपन हुआ है। ये देखिए ये गोभी लगा हुआ है, गोभी नहीं है एक्चुअली, मैं दूर से लग रहा था कि शायद गोभी है, जैसे हमारे यहाँ खेतों में गोभी लगती है ना वैसे ही, लेकिन ये गोभी नहीं है, ये फ्लावर्स हैं, लेकिन इसके पत्ते ना बैंगन के पत्ते जैसे दिख रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा खेत जैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत गार्डन बनाया गया है। और छोटे छोटे इसमें जो फ्लावर्स हैं ना, वो सूरजमुखी का जैसा होता है वैसे ही है, वो उधर दिखाइए, ये देखिए कितना खूबसूरत येलो कलर का। ये देखिए एक और घड़ी लगी है, और कितने ऊंचे पे, मतलब कि यहाँ पे हर जगह पे घड़ी लगी हुई है। इसलिए घड़ी लगी क्योंकि मुंबई के लोग टाइम के बहुत पक्के होते हैं, और यहाँ पे जो लोग आते हैं घूमने जॉगिंग करने, उनको दूर से ये दिख जाए कि कितना टाइम हुआ है, तो उनका ज़्यादा टाइम तो नहीं ख़राब हो रहा है। और इधर ये देखिए कितना खूबसूरत इसको बनाया गया है, किस शेप में ये पता नहीं चल रहा है, और अंदर इसके कौन से प्लांट लगे हैं या फ्लावर्स लगे हैं ये भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए ऐसे ही पूरे गार्डन में यहाँ बहुत अच्छी अच्छी मतलब डेकोरेशन किए गए हैं, जो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ चारों तरफ। इसमें दो कलर के हैं, दो तीन कलर कह लीजिए, साइड साइड में रेड है, फिर ये नारंगी और फिर ये येलो है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए एक और प्लांट से एनिमल्स बनाया गया है, कौन सा एनिमल है मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखिए इसको गौर से और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा एनिमल है ये। यहाँ मुंबई में जितने भी पार्क हैं, मोस्टली ज़्यादातर कहीं भी पार्क में कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, 90% पार्क में कोई चार्जेस नहीं है। और जैसा कि हमारे यूपी में किसी छोटे से भी गार्डन में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ टिकट लगता है, चार्जेस लगते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। और मतलब यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो इतना वेल मेंटेन किया गया, देखिए मेरे पीछे, वाव यार एकदम मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए वो पीछे फाउंटेन चालू हो गया है। और ये देखिए गाइस, हमने आपको बोला कि यहाँ पे कपल्स बहुत सारे मतलब आते थे लॉकडाउन के पहले, लेकिन अभी क्या है कि नहीं आते हैं, फिर भी एक दो देखने को मिल गए हैं। और आई होप गाइज आपको मेरी ये बकवास वीडियो अच्छी लगी होगी,
बकवास ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं, मतलब मैं कुछ बता नहीं पाई, दिमागी काम नहीं कर रहा था। फिर भी थोड़ा सा सह लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।